ना इधर ना उधर, सीधा आता हूँ पॉइंट पर। देखो मेरा एक दोस्त है यार, बड़ा कमीना दोस्त है, मुझे पता नहीं था कि वो इतना कमीना निकल गया। ये वीडियो में क्या दोस्ती के खिलाफ तुझे करने वाला यार? देखो वीडियो इसी के टॉपिक में है। वीडियो क्या टॉपिक है यार? ऑनलाइन वीडियो कॉल सेक्स, ऑनलाइन वीडियो कॉल, रोमांटिक चीज़ों को लेकर। तो प्लीज़ अगर 18 साल से नीचे हो तो वीडियो से चले जाओ, मैं इतना रिक्वेस्ट जरूर से करूँगा। या टीनेजर हो तो भाई जरूर से देख सकते हो भाई, तुम्हारे लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। अगर तुम सूटेबल नहीं है तुम्हारे लिए तो वीडियो को एंड कर सकते हो या फिर भाग जाओ। फैमिली वाले के साथ हो तो मत देखो वीडियो को। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये मेरा फ्रेंड है यार, मुझे उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई? उसने बताया मुझे विस्तार से, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये हुआ तो हुआ क्यों और हो क्या रहा है अभी। देखो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे ऐसे वेबसाइट आ गए हैं, ऐसे ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं जो बहुत ही अच्छी है, बट बहुत ही ख़राब है ये चीज़ें। तुम लोग अच्छे समझो मत, ये बहुत ही ख़राब है। किस तरह ये अच्छी है, किस तरह ख़राब है, वही तो बात करने वाले वीडियो में। तो देखो वो क्या बताया मुझे कि मुझे एक कैसे तो व्हाट्सएप में एक ऐड आया या व्हाट्सएप में एक मैसेज आया मेरे को कि मैसेज क्या आया कि अगर आप वेबकैम सेक्स करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें और आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे या आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों के लिए हम एक लड़की हायर करेंगे जिससे आप जो करवाना चाहते हैं, जितने घंटे उसके लिमिट रहता है यार, कुछ घंटे का। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि कितने घंटे का लिमिट रहता है, बट लिमिट रहता है कुछ देर का। आप लोग उसको वीडियो कॉल करो, आप जो कहोगे वो आपको करके देगी। जिस तरह आपने अगर सुना होगा तो कॉल गर्ल जिस तरह कहते हैं, उस तरह की यह है चीज़। तो वीडियो कॉल मैं ऑनलाइन जिस तरह मैं बता रखा हूँ पहले ही कि ओमेगल पर क्या होता है, उसी तरह को लेकर ये चीज़ें हो रही हैं। तो बताया कि भाई मेरे को मिला है ऐसी कुछ नंबर या, और मैंने उस पर कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरे को ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में तो कमेंट में ज़रूर फेंक के मारना। तो ये चीज़ तो हो गई, बट एक चीज़ बताया मुझे, वो क्या बता रहा था कि देख भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई मेरे साथ। मैंने उससे कॉल किया, कॉल करने के बाद भाई वो पागल बंदा है यार, उसने रोमांस कर लिया उसके साथ। रोमांस करने के बाद अब हुआ क्या उसके साथ कि उसे तो पैसे पे करने के लिए बताए गए थे, तो उसने कहा कि देखो मैं पे कर दे रहा हूँ, आप वीडियो कॉल करो, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। मेरे थोड़ा कुछ ज़्यादा अभी चल रहा है, तो समझ सकते हो तुम लोग क्या बताना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा, तो बातें होती हो गई, मस्ती कर लिया उसने पूरे जितनी मस्ती करनी थी, अब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई उधर से कॉल आता है, ठीक, तो भाई जितने पैसे थे तुम ट्रांसफ़र कर दो हमारे बैंक पर। और कितने 500 था या कुछ थे पैसे या 1000, बोला कि ट्रांसफ़र कर दो। और आई थिंक वो मेरे को बता रहा था कि एक घंटे की बात है, शायद एक घंटे उसने रोमांस किया था या मस्ती किया था उसके साथ, पर वो जो जो कह रहा था उस लड़की वही कर रही थी, ये मुझे पता है नहीं है, बट वो उसने बता रहा था ऐसा ऐसा चीज़ें। तो ऐसा हो गया। उसके बाद होता है क्या, मेन फंडा तो यहीं पर ही आता है, उसने उधर से कॉल आता है और वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसा उसे पे करने वाला हूँ नहीं। तो वो कहता है ठीक है मत करो पे, अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ से, मैं दिल्ली, उसने बताया कि मैं दिल्ली से हूँ, ठीक, ओके, तो दिल्ली से हूँ, बताया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में पुलिस स्टेशन है, हम सीबीआई वाले हैं, साइबर नेट वाले हैं, हम तुमको पकड़ के ट्रैक करके अभी तुमको जेल जाओगे, कुछ देर रुक जाओ, अभी तुमको हम जेल ढुकाते हैं। तो बंदा वो बहुत ही नर्वस हो गया। उसके बाद मेरे पास आया कि भाई देख ऐसा ऐसा मैंने क्रिएट कर दिया सिचुएशन, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने बोला भाई क्या कर रखा तूने भाई, ये सब ना धांधली बाजी है, फालतू बनती है, कुछ होने वाला नहीं है और रियलिटी में कुछ हुआ नहीं। उसे कॉल करके धमकी देगा कि जल्दी तुम पैसे ट्रांसफ़र करो वरना हम ऐसे ऐसे कर देंगे। बट तुम लोग एक चीज़ सोचो भाई, तुम लोग ऐसा कर रहे हो क्यों, और तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं भाई, एकदम हरगिज़ नहीं कर सकते, बट अगर तुम अपना फेस दिखाते हो तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो यार। उसके साथ बातें कर ली, बट मेरे को अभी तक एक बात नहीं समझ में, इसलिए मैंने कहा है कमेंट में फेंक के मारो यार कि क्या वो पहले बातें करके उसके बाद पैसे लेते हैं कि पैसे लेके फिर बातें करते हैं? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। आई थिंक पहले पैसे लेते हैं या सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके बाद ही वो सब करते हैं। बट उसने मस्ती कर लिया और बहुत सारे वीडियो स्क्रीनशॉट भी मार रखे थे उन्होंने। बट मेरे को क्या ना, वो सब जितनी चीज़ें हुई ना कि कहने लगे कि भाई ऐसे ऐसे पुलिस वाला कर देंगे, ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा, हम लोग साइबर नेट वाले हैं, तुम्हें पकड़ कर जेल ढुका देंगे, पैसा फाइन लेंगे। उसके बाद उन्होंने सब कुछ डिलीट कर रखा अपने फ़ोन से, पूरा हर चीज़ हटा दिया क्योंकि वो डर गया था यार, उसका नंबर भी उसने ब्लॉक कर रखा था। ये सब चीज़ें हो गई और उसके बाद मुझे आके बताया, तो मैंने बताया कि भाई कुछ डरने की बात नहीं, मुझे उसने नंबर भी दिया। तो मेरा नंबर देखा यार, पता तुम्हें एक चीज़, वो जितने भी नंबर थे व्हाट्सएप के नंबर थे और सब बाईपास नंबर थे, और कुछ नंबर ऐसे नंबर थे कि दूसरे के नंबर से व्हाट्सएप बनाए गए थे। अगर मैंने उसमें कॉल करके देखा, मैंने अपने बाईपास नंबर से कॉल करके देखा, तो वो नंबर से भाई क्या हुआ पता तुम्हें, उस नंबर से कॉल किया तो ऐसा बंदा उठाया जिसने कहा कि भाई मेरे इस नंबर से तो व्हाट्सएप बना ही नहीं है, और ऐसे ऐसे नंबर है जो बाईपास नंबर है, कॉल नहीं लगने वाला तुम्हारा, ओनली फिर व्हाट्सएप में ही था, पर वो इंडियन नंबर ही थे, ओके, ऐसा नहीं कि बाहर कंट्री के थे कि बाईपास नंबर लेकर आए थे।
ये बाईपास नंबर क्या होते हैं यार, कमेंट करो, मैं बताऊंगा आगे वाला वीडियो में। ओके, तो ऐसी चीज़ें हुई। तो यार देखो एक चीज़, ये सब चीज़ें भी मार्केट में कुछ धंधलेबाजी चल रही है, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है या ऐसे वेबसाइट क्लेम करते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लो, आओ हम तुम्हें लड़कियाँ हायर करके देंगे और उसके बाद तुम उससे बातें करो या जो जो करना है करो भैया, ये सब चीज़ें हैं। तो भाई इस चीज़ से अवेयर रहो यार। मेरे दोस्त के साथ हो गया ऐसा, उसने धमकियाँ उमकी दी गई ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने, बट उसके बाद उसने कान धर ली भाई ऐसा कुछ करने वाला होने में। बट एक चीज़ याद रखना यार, क्या ज़रूरत है यार, तुम बताओ वेबकैम सेक्स कौन करता है यार, हद है। अभी हर चीज़ लंदपंद हो रही है सोशल मीडिया में, अगर तुम्हारा पता थोड़ा सा डाटा लीक हो जाएगा तो तुम बदनाम हो जाओगे कि नहीं, मुंह दिखाने लगे रहोगे ज़रा से भी। तो आप बच कर रहो यार ये सब चीज़ों से, लंदपंद चीज़ों से थोड़ा बचो, और ये सब चीज़ अगर चक्कर में पड़ते हो तो भाई स्किप करो, ये सब चीज़ों को फॉरगेट करो माइंड से, और जिसे हमारे धरंगे में मत पढ़ो। और बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे कि पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे बंदे ने किया भी होगा जो मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, बट क्या पता उन्हें किया है कि नहीं, बट अगर किए हो तो भाई बताना, और क्या हुआ था एक्सपीरियंस अगर शेयर करना तो तुम्हारे भी शायद स्टोरी में आगे आने वाला वीडियो में बता सकूं, और कुछ अलग रही तो ज़रूर बताऊंगा। तो आइयो वीडियो अच्छी लगी यार दोस्तों में शेयर करना, उन मस्ट टू मस्ट शेयर करना, इसे लाइक कमेंट शेयर करने, लाइक कमेंट नहीं बोलूँगा बट शेयर करना ज़रूर बोलूँगा कि उन्हें पता चले कि ऐसे भी चीज़ें होती हैं यार कि बहुत सारे डेंजर है, तो ये सब चीज़ें से बच करो। तो मैं मिलूंगा तुम्हारे साथ अगले वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।